अस्सलाम वालेकुम जी, वकास अजीज़ ऑफिशियल में खुश आमदीद। शॉर्टकट बात करूंगा। आज़म सवाती साहब का ताज़ा तरीन वीडियो बयान सामने आया है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने किया, और उसमें उन्होंने जिस तरह बताया कि उन्हें और उनकी अहलिया की नंगी वीडियोस बनाकर उनकी बेटी को दिखाई गई, भेजी गई, और इसका बराह रास्त वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या बराह रास्त वो इसका जो असल मुहर्रिक है वो पाकिस्तान के जो वो इदारे हैं जिन्हें कौमी सलामती के साथ मशरूत किया जाता है, उन पर ये सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं, मुजरिम गिरदान रहे उन्हें। सबसे ज़्यादा ये अजियतनाक फेल है। मैंने हमेशा गलत को गलत कहा है। मेरे पीटीआई के दोस्त गुज़िश्ता दो दिन से बड़ी शदीद बम्बार्टमेंट कर रहे हैं मेरे ऊपर, ज़रूर करें, लेकिन आपकी गैर अखलाकी ज़बान बताती है कि आपकी तरबियत क्या है। और हम जिस तरह गुफ्तगू करते हैं वो भी हमारा भी ज़र्फ सामने आता है। आज़म सवाती साहब के साथ जो ये वाक़िया हुआ है, ये अगर सच है, बाएं ही जैसे उन्होंने कहा है वैसा है, तो ये चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और उसके साथ साथ सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उन तमाम मुक्तदर कुव्वतों के मुंह पर एक गैर एलानिया और एलानिया थप्पड़ है, जो पाकिस्तान में जमहूरियत की बात करते हैं, जो पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, जो पाकिस्तान में कानून को मुकदम जानते हैं, जो पाकिस्तान में एक पार्लिमानी निज़ाम को सेटल डाउन करने की बात करते हैं, जो पाकिस्तान में सिस्टम के हमायती हैं, उन सब लोगों के मुंह के ऊपर ये थप्पड़ है कि उनकी बातें हमेशा की तरह बातें रहती हैं, और उसके बाद फिर इस तरह का वाकया हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं मामले को तूल दूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा। हमें थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है कि जब पीटीआई के दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा था, साफियों को तंग किया जा रहा था, उन्हें उठाया जा रहा था, थ्रेट कॉल्स हो रही थी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं को विक्टिमाइज किया जा रहा था, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस फेल को रोकने के लिए क्या कोई काम किया गया था, क्या कोई लायामल बनाया गया था, क्या कोई पॉलिसी सामने आई थी, क्या कोई आइन और कानून पास हुआ था, नहीं हुआ था। यही वो खान साहब की सबसे बड़ी गलती है जो आज उनकी पार्टी को भुगतनी पड़ रही है। यही वो मिस्टेक है जिसके ऊपर मैं हमेशा अपने कॉलम्स में, अपने वीलॉग्स में, अपने पोस्टों में, अपने ट्वीट्स में, अपनी तहरीरों में जिनका मैं तذکرہ करता हूँ, और मेरे प्यारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर इंतई गुस्से में आकर जो है वो बात करना शुरू हो जाते हैं। देखिए खान साहब, जिस सिस्टम की बहाली की बात करें, जिस करप्शन के खात्मे की बात करें, जब आपकी अपनी हुकूमत थी आपने क्या किया? ठीक है जी, 3.5-4 साल में कुछ नहीं होता। आपने 3.5-4 साल में इस सिस्टम के हवाले से कोई पार्लियामेंट में एक करारदाद ही पास कर दी होती तो तब भी दिल के रखने को जो है वो गालिब ख्याल अच्छा था। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं। आज़म सवाती साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है इकतदार में, तो सबसे पहले इनका बेटा जो फार्म हाउस में जो किरदार अदा करता है, और उसके बाद फिर इनके पड़ोसियों के साथ जो कुछ होता है वो भी हमें याद रखना चाहिए। और फिर मैं दोबारा ये कहूँगा कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि वही इस सारे मामले को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये बताऊँ कि मेरे पास जो इत्तलात मौजूद हैं ज़राए के मुताबिक, पंजाब में गवर्नर आज की जो ख़बरें हैं उनकी तरदीद नहीं की जा सकती, क्योंकि परसों की पीटीआई की कोर कमेटी की और कल की जो मीटिंग है उसमें खान साहब के हवाले से एफआईआर ना काटने पर परवेज़ इलाही के साथ काफ़ी गर्मा गर्मी देखने में आई है, बहुत ही गर्मा गर्म माहौल देखने में आ रहा है। पंजाब की जो सियासी इंतजामी सूरत हाल है वो बहुत इस वक्त गड़बड़ नज़र आ रही है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से स्टेप बैक कर जाती है तो फिर ये एक बहुत बड़ा डेंट होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि खान साहब को सारे घरों को नाराज़ नहीं करना चाहिए, किसी एक घर को उन्हें राज़ी रखना चाहिए, और एक घर को वो राज़ी रखेंगे तो तब ही वो आगे बढ़ पाएंगे। बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं, एक सियासत, सहाफत और अदब के तालिब इल्म के तौर पर यह मैं खान साहब से गुजारिश करूंगा कि सारे घर नाराज़ ना करें, नंबर एक। नंबर दो, चौधरी परवेज़ इलाही सीजन सियासतदान है, वो जानते हैं सियासत जो है वो चौधरीों के घर की बांदी है, लौंडी है उनके घर की। अगर कोई ये कहे कि ये नहीं है तो मुझे उसकी अकल के ऊपर शुबा इसलिए होता है कि परवेज़ मुशर्रफ का अंजाम सबके सामने होना चाहिए, और सबको ये भी मालूम है कि आज का नहीं, 6 दहाइयों का इस्टेब्लिशमेंट का और चौधरी घराने का आपस में एक ऐसा तालमेल है, एक ऐसा जोड़ है, एक ऐसा ताल्लुक है जिसे कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती मासवाए अल्लाह के। ये कोई खुदाई मार हो तो इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हों तो हों, वरना ये नामुमकिन बात है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, अब मरकज़ की सियासत की तरफ आते हैं। आसिफ अली जरदारी बहुत शार्प खेल रहे हैं इस वक्त, और उन्होंने इस सारे हमले की जिम्मेदारी शरीफ बरादरान पर भी डाल दी है, खामोशी के साथ चल रहे हैं।
अगर मेरे मुंह में खाक माशाल्लाह ना लगा, सूरत हाल उस तरफ ना गई, क्योंकि अगर पंजाब में गवर्नर आज की बात हो जाती है तो आप पहली ईंट रख देंगे माशाल्लाह की। अगर ऐसा नहीं होता, और मेरी दुआ है बतौर जमहूरियत पसंद इंसान के, मैं बतौर शायर के, बतौर अदीब के, बतौर सहाफ़ी के और एक तालिबे इल्म के, मेरी ये दुआ है कि ये सियाह दिन पाकिस्तान में दोबारा कभी ना आए। और अगर ऐसा नहीं होता, इलेक्शंस होते हैं तो एक जरदारी सब पे भारी, बेशक जिस मर्जी को बुरा लगता है, लेकिन मैं जरदारी साहब की सियासत को पिछले 1.5 साल से बहुत ही अमीक नज़र से जो है वो स्टडी कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि कैसे उन्होंने बाजी को पलटा है, पांसा ये जो सारा पलटा है, ये नूंदी को क्रेडिट देते हैं लोग, होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितना जरदारी साहब को स्टडी किया है, वो एक कोड़ियाले सांप की तरह खामोशी से अपनी जगह बनाते हुए चलते जा रहे हैं, और उनके साहिबजादे ने जिस तरह इंटरनेशनली अपनी लॉबिंग की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं होनी चाहिए। और जो नए आर्मी चीफ आ रहे हैं, अगर ये वही आ रहे हैं जिनका नाम मैं सुन रहा हूँ, तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में परेशानी का सबब फिर दुरुस्त है। और उसके साथ साथ अली नवाज़ साहब के ऊपर FIR हो गई है, आमिर कियानी साहब के ऊपर FIR हो गई है, क्योंकि जो FIR का मतन मेरे सामने आया है उसके मुताबिक कल जो एहतजाज किया गया है उसमें जलाओ घेराओ, तोड़ फोड़, मोटरसाइकिलों को जलाना, इस सब की जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन दो रहनुमाओं पर डाली गई है। तो सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी गंभीर है। बेशक अवाम की कुव्वत और ट्विटर की कुव्वत, सोशल मीडिया की कुव्वत उनके साथ है, लेकिन अभी भी खान साहब को बहुत संजीदा मैच्योर पॉलिटिकल डिसीजंस लेने होंगे। अगर वो नहीं लेते, सिर्फ सोशल मीडिया और ट्विटर की ट्वीट्स को देखकर कोई डिसीजन सामने आता है और उनकी कोर कमेटी या उनकी किचन कैबिनेट उन्हें अच्छा मशवरा सियासी नहीं देती, तो ये खान साहब के लिए मजीद ख़तरनाक भी हो सकता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों से जो पंछी कल उड़ने को तैयार थे वो शायद आज शाम तक ही उड़ जाएँ, ये सूरत हाल बन सकती है। बहरतौर आज़म स्वाति साहब के साथ जो कुछ हुआ, मैं एक मरतबा फिर उसकी मजम्मत करूंगा, बतौर इंसान भी, बतौर पाकिस्तानी भी, और बतौर एक जिम्मेदारी शहरी होने के, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करूंगा कि इस सारे वाक़े की कुल्लियतन तहकीकात होनी चाहिए। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, वो गलती जो इमरान खान साहब ने की इस सारे मामले पर, वो आप ना कीजिए। आज उनकी सूरत हाल को देख कर आप खुश ना हों कि हमारे साथ भी कल ये होता था। आज आप पार्लियामान में इस सारे मामले के हवाले से इजलास बुलाएँ, सेनेट में इजलास बुलाएँ, और इस पर खुलकर बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान के एक बुज़ुर्ग सियासतदान को इस सूरत हाल से क्यों दोचार किया गया, और इस पर कोई ना कोई करारदाद लाजमी सामने आनी चाहिए, वरना शहबाज शरीफ साहब तारीख आपको भी उतना ही मुजरिम गर्दानेगी जितना बाकी सबको गर्दानती आ रही है। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।